Now, welcome you again in my class 11th subject maths. Example 9 based on subset topic. Read example 9 from your NCERT book. Consider the subsets phi A is equal to 13, B 159, C 13579. Insert the symbol this and this between each of the following pair of sets. आपको इनका आंसर बताना है कि अभी देखो कि फर्स्ट फाई और बी फाई इज ए एम्प्टी सेट और वी नो दैट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. फाई हर किसी का सबसेट होता है तो फाई सबसेट ये वाला सिंबल यूज करेंगे आप एज फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट. सेकेंड ए और बी इन दोनों में क्या यूज करेंगे आप. अब देखो कि ए में क्या है 1 और 3 और बी में 159 तो ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है. इट मींस ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एज 3 बिलोंग्स टू ए. 3 ए को बिलोंग करता है बट 3 बी को बिलोंग नहीं करता है. थर्ड पार्ट ए इज सबसेट ऑफ सी एज 13 बिलोंग्स टू ए. ए इज सबसेट सी 13 बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सी. ए 1 और 3 को बिलोंग करता है और सी को बिलोंग करता है इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी. फोर्थ पार्ट बी सबसेट ऑफ सी एज ईच एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी. बी सी का सबसेट है क्योंकि बी के सभी एलिमेंट सी में है. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल 10. लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू. दीज आर 5 वोवेल्स एंड बी सेट ए बी सी डी. इज ए इज सबसेट ऑफ बी. क्या ए बी का सबसेट है. नो. वाई. इज बी इज ए सबसेट ऑफ ए. नो. वाई. आपको बताना है. अब ये देखो आप कि इज ए ए सबसेट ऑफ बी. क्या ए बी का सबसेट है. नहीं. क्यों. ए के सभी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए डज नॉट लाई इन बी. ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है. अब कोई भी एक एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं. ए ई बिलोंग्स टू ए बट ई नॉट बिलोंग्स टू बी सो इज नॉट सबसेट ऑफ बी. अब ये बताना है कि इज बी ए सबसेट ऑफ ए. नो. बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट लाई इन ए. बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए. ओके स्टूडेंट्स.